Now we see how equality is essential in childhood. So, first of all, we need to know that awareness of differences is essential about our young kids. Uh, for example, areas of interest, physical differences, and social and networking differences. awareness <laughs> differences और जिस तरह से कायनात की हर चीज़ अपना अपना किरदार अदा कर रही है हर इंसान भी एक अपना किरदार अदा कर रहा है सो so, पहले तो ये कि देखिए आपको मुख जैसे हम बात कर रहे थे कि बच्चों को बात करेंगे एक दूसरे के साथ करने पे, उनको तहरीक देंगे कि वो देखें कि किसके क्या इंटरेस्ट हैं किसके लाइकिंग्स क्या हैं डिसलाइक्स क्या हैं और किसको क्या पसंद है सबसे पहले रंग कौन सा पसंद है उनके नाम क्या हैं सबसे पहले जो डिफरेंस आता है वो हमारे नामों में आता है ना फिर हमारी शक्लों में है फिर हमारी पसंद नापसंद में है तो बच्चे इन चीज़ों को आपस में मिलकर आइडेंटिफाई करें कि हम में अलग अलग चीज़ें क्या हैं और हम कहाँ पे एक जैसे भी हैं कुछ पैटर्न्स हैं जैसे हम मैं भी आंखों से देखता हूँ तो आप भी देखते हैं या हम सबके हाथ पाँव भी एक जैसे हैं हम भाग सकते हैं दौड़ सकते हैं देख सकते हैं ये सब हम एक जैसा कर सकते हैं लेकिन हम अपनी पसंद नापसंद में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं हम ये देखेंगे कि जब फिजिकल डिफरेंसेस की बात हो रही है तो फिर जितने भी फिजिकल डिफरेंसेस हैं वो सब सामने आएंगे रंग के कद के हर चीज़ के अब हमने ये देखना ये है कि देखे हम मुख्तलिफैमिलीज से ताल्लुक रखते हैं तो ये भी तो एक दायरा है ना जो हमारी नशो नुमा में बहुत ज़्यादा असर रखता है तो बच्चे आपस में एक दूसरे को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि भाई आपके वालदेन क्या करते हैं आपके बहन भाई कितने हैं क्या करते हैं और ये कि आपके घर की क्या खास बात है आप घर में अपनी रूटीन लाइफ को किस तरह से गुजारते हैं ये छोटे छोटे जो इंट्रोडक्टरी सेशंस हैं ये गाहे बगाहे बच्चे अपनी क्लास में करते रहेंगे ताकि एक दूसरे के बारे में बेहतर तौर पर जान पाएं इस सारी सूरत हाल में दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें से एक तो है चेंज और दूसरा है स्टेबिलिटी देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वक्त के साथ साथ बच्चे चेंज कर सकते हैं जैसे अपने मैनरिज़म को चेंज कर सकते हैं आप मुख्तलिफ लोगों के साथ ताल्लुक रखते हैं तो अगर आपके एक फ्रेंड था तो अब दो हो गए हैं अब ज़्यादा हो गए हैं आपने अपनी रिहाइश की जगह तब्दील कर ली है आपने अपना कोई इंटरेस्ट तब्दील कर लिया है आपको खाने में कोई नई चीज़ पसंद आ गई है ये वो सारी चीज़ें हैं जो चेंज का हिस्सा हैं जो आने वाले दिनों में भी होती रहेंगी कुछ चीज़ें स्टेबल हैं जैसे हमारी जो आ, हमारी मेंटल हमारी एबिलिटीज़ हैं या हमारी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ हैं वो तो मुस्तकिल रहेंगी और फिर ये कि एथनिकली या रिलीजसली भी हम अपने आप को इस तरह से कंपोज़ रखते हैं कि हम हम अपने रिलीजन को भी अपनी लाइफ के साथ लेके चलते हैं सो so, चेंज और जो स्टेबिलिटी है ये अलग अलग है पर इनके इन दोनों पहलुओं को ज़िंदगी के अंदर जितनी अहमियत है ये हमें अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करनी है हम ये समझते हैं कि अवेयरनेस जो है वो है कैसे और उसको पैदा कैसे की जा सकती है देखिए मैंने जैसे अर्ज किया कि छोटे बच्चे जो हैं वो ऑब्जर्वेशन से सबसे ज़्यादा लर्न करते हैं दो हम उनका इंटरेक्शन करवाते हैं आ, उनके इसके साथ भी उनके पेरेंट्स के साथ उनकी बुक्स के साथ स्टोरीज के साथ हर चीज़ के साथ लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनके गिरद हो रहा है जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो उनके लिए अट्रैक्शन का बायस है क्योंकि उसमें वो अपने आप को देखते हैं कि अगर मेरी माँ ये कर रही है मेरा बाप ये कर रहा है मेरे बहन भाई ये कर रहे हैं तो और मेरे या जो पीयर का ग्रुप है दोस्त है मेरे क्लास फेलोज हैं वो क्या कर रहे हैं तो मैं भी ये करूँगा तो अवेयरनेस जो है वो यही है कि वो उनको पता चले कि हम कौन हैं हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है सिचुएशन क्या है किस जगह है क्या हमारे लिए हो सकता है मुमकिन क्या नहीं हो सकता देखिए मुझे ये बात खुद भी बड़ी दिलचस्प लगती है और है भी कि दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा तरह के जो फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं या रिलीजन हैं या सोशियो इकनॉमिक हमारे स्टेटस हैं हर कोई अपने दायरे के अंदर काम करता है और असूली तौर पर वो खुश भी है और उसने अपने वसाइल यानी खुद से पैदा किए हुए हैं वो अपने लिए ख़ुद उसने देखें सहरा में रहने वालों का एक अपना ज़िंदगी का अंदाज़ है पहाड़ों में रहने वालों का एक अपना उन्होंने अपने घर बना लिए हुए हैं जहाँ कहीं जल्जले आते हैं लोगों ने जल्जलों के लिए एडोपटेशन कर ली है जहाँ सैलाब आते हैं सैलाबों के लिए अडाप्टन कर ली हुई है तो हर कोई अपने हालात के मुताबिक ज़िंदा रहने के लिए इस तरह की एफर्ट करता है तो उससे एक डाइवर्सिटी हमारी पैदा होती है कि किस लोग कहाँ रहेंगे क्या करेंगे किस तरह से करेंगे ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात का हिस्सा नहीं है कि हम मुख्तल्फ़ हैं बल्कि इस तरह के हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है या हमारी सर्वाइवल के हमारे वसाइल जो है वो क्या हैं इस सूरत में जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है prejudice. Prejudice जो है इट्स अ प्री कंसीव जजमेंट ओपिनियन और एटीट्यूड डायरेक्टेड टुवर्ड्स सर्टन पीपल बेस्ड ऑन देयर लिंक विद अ पर्टिकुलर ग्रुप तो जैसे हम ये अर्ज कर रहे हैं कि किसी एक ग्रुप के को ये टैग कर देना कि फ्लांग ग्रुप तो ऐसा है और फिर उसके साथ एक खास किस्म का सलूक रवा रखना यह या प्रजस है तो अब जब हम बच्चों को डाइवर्सिटी से अवेयरनेस देंगे और उनको बताएंगे कि ये एक नेचर का असूल है फितरती मज़हर है कि लोग मुख्तलफ़ होंगे उनके रहने की जगह मुख्तलिफ होंगी उनके बाकी भी बहुत सी चीज़ें उनकी मुख्तलिफ होंगी और हमें उन सब को तस्लीम करना है और उनके अंदर से तसब को ख़त्म करना है तो वो जान जाएंगे कि सब इंसानियत के नाम पर इकट्ठे हैं एक जैसे हैं इंसान हैं और हम सब एक साथ हंस सकते हैं एक साथ हमारे दुख हैं सुख हैं सब इकट्ठे हैं ये अवेयरनेस बच्चों को शुरू से इब्तदा से ही देना है और उनके तासुब को ख़त्म करना है फिर इन सब के साथ जो ज़रूरी चीज़ है जब तब ख़त्म होगा या डिफ्रेंशिएशन की अवेयरनेस आएगी तो बच्चे की आइडेंटिटी डेवलप होगी तो हम ये कहते हैं कि सेंस ऑफ देम सेल्व यानी बच्चे की जो सेंस है मेल और फीमेल रिलेशन विद द डर्ल्स रिएक्शन टू पीपल रिलिजन एक्सेट्रा ये उसकी आइडेंटिटी डिवेलप करते हैं आइडेंटिटी को भी पॉजिटिवली डिवेलप करना है ना ना कि ये कि अगर कोई देखे प्रेजिटिस आप नहीं कर रहे तो कोई कर रहा है ऐसी सूरत में अपने आप को लोगों से कमतर समझना या लोगों को अपने आप से कमतर समझना दोनों सूरत हाल ही खतरनाक है तो हम समझते हैं कि बच्चों की अपनी आइडेंटिटी ये तो होनी चाहिए कि हाँ आई एम अ गर्ल आई एम अ बॉय और ये कि मैं एक मुस्लिम हूँ ये तो होनी चाहिए लेकिन उसको पॉजिटिवली उसको यूज़ करना है कि अगर मैं एक बच्ची हूँ तो बच्चियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं बच्चियों में बहुत सी सलाहियतें हैं और मेरे अंदर बहुत सी स्ट्रेंथ्स हैं और अगर कुछ वीकनेसेस हैं तो मैं उन पर काबू पा सकती हूँ बिल्कुल इसी तरह लड़कों को भी बताना है कि वो भी एक समझदार इंसान हैं और उनको भी बहुत से डिसीशन लेने हैं बहुत सी चीज़ें करनी हैं और वो भी अपने ख़ानदान के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं ताकि उनकी भी एक पॉजिटिव जो है वो पर्सनैलिटी वो डेवलप हो याद रखिएगा कहीं कोई छोटी सी भी डिसबिलिटी बनती है आइडेंटिटी के अंदर तो वो मुआरे से बदला लेती है ये जो किड्स हैं जो बच्चे हैं जब ये किसी डेफिशिएंसी के साथ बड़े होंगे किसी एहसास कमतरी के साथ या एहसास बरतरी के साथ बढ़ेंगे तो ये माशरे में जाके वही असूल जो हैं उनको उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर ज़ाहिर है इसका नुकसान माशरे को होगा तो हम समझते हैं कि बच्चे की एक पॉजिटिव और जो आप यूँ समझें कि आइडेंटिटी बननी चाहिए और दूसरों की एक्सेप्टेंस के साथ बननी चाहिए मस आप मेल हैं येस फीमेल आर ऑल्सो पीपल लाइक यू बच्चियाँ आपकी बहनों की तरह हैं आप हैं बच्चों को कहना ये भाइयों की तरह है ये भाई है और ये कि ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं और सब दोस्त हैं और सब एक जैसा अच्छा काम कर सकते हैं सब मिलके कोई अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं सब अपने माँ बाप के लिए अहम हैं सबके के हकूक एक जैसे हैं सबके के फ़राइज एक जैसे हैं तो आप पॉजिटिवली चीज़ों को बताते हुए उनकी आइडेंटिटी को डिवेलप करें ना कि उसमें कोई नेगेटिविटी या डेफिशेंसी जो है वो कहीं रह जाए